नमस्कार दोस्तों, सलमान खान ने बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को बॉलीवुड में लॉन्च किया है। वो आउटसाइडर्स स्नेहा उल्लाल, कटरीना कैफ, जरीन खान या डेजी शाही हो, या फिर स्टार किड्स सोनाक्षी सिन्हा या आथिया शेट्टी हो, बट सूरज पंचोली को उन्होंने सिर्फ 2016 की मूवी हीरो में लॉन्च ही नहीं किया, लाइफ के हर कदम पर उनका साथ भी दिया है। जिया खान के मर्डर केस के बाद उन्होंने ही मुंबई पुलिस को रिक्वेस्ट किया था कि वो सूरज पंचोली को छोड़ दे। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बताया है जिया खान की मदर राबिया खान, जो अभी तक जिया के जस्टिस के लिए भीख मांग रही है। जिया खान के मर्डर के वक्त सोशल मीडिया का इतना दबदबा नहीं था, लेकिन अभी सुशांत की मौत के बाद जब सब लोग इसको सुइसाइड बोलने पर तुले हुए हैं, तभी जिया खान के मर्डर का जिक्र भी काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं। तो अभी सवाल उठता है कि सलमान क्यों सूरज पंचोली को इतना सपोर्ट करते हैं, वो भी बॉलीवुड जैसी जगह पे जहां बिना मतलब के कोई किसी की हेल्प नहीं करता। जिया खान का केस भी सीबीआई के पास गया था और 302 लगने ही वाला था, जैसे अभी सुशांत के केस में भी 302 लगने वाला है, बट लास्ट मोमेंट में सीबीआई ने उस केस को क्लोज कर दिया था। उस टाइम पे तो सोशल मीडिया नहीं थी, लेकिन जो नॉर्मल जो मीडिया चैनल्स है उन्होंने ये सवाल उठाया था कि भला एक केस जिसमें 302 लगने वाली है वो अचानक यू टर्न मार के क्लोज क्यों किया जाता है। तब सीबीआई टीम के एक शख्स आके किसी न्यूज़ चैनल को वो इंटरव्यू देते हैं, वो बोलते हैं कि उनका नाम डिस्क्लोज ना करने के लिए, एंड वो ये बताते हैं कि किसी बड़े बॉलीवुड स्टार के प्रेशर में आके ये डिसीजन लिया गया था। और उसके कुछ ही दिनों बाद सलमान खान सूरज पंचोली को लॉन्च करते हैं मूवी हीरो में, जिसमें वो खुद भी गाना गाते हैं। सूरज पंचोली और सुशांत के फाइट के बारे में सबको पता है, और उसके बाद से सलमान ने कैसे सुशांत से उनकी मूवीज छीनी ये भी सबको पता है। तो क्यों करते हैं सलमान खान सूरज पंचोली को इतना सपोर्ट? इसका एक ही रीज़न है, आदित्य पंचोली। आदित्य पंचोली ने उनका करियर अर्ली 80s में स्टार्ट किया था, लेकिन वो इतने चले नहीं, लास्ट में वो साइड एक्टर बन के रह गए। तो इसीलिए वो साइड बिजनेस करना शुरू कर दिए, जिसके बारे में कंगना रनौत ने ओपनली बताया है कि कैसे वो उनको ड्रग्स देते थे और कैसे वो उनको कुछ रईस बिजनेसमैन के पास ले जाते थे। तो अगर आप करियर को जोड़ेंगे तो आपको ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। और सलमान खान का जो NGO है बींग ह्यूमन, जो 2007 में लॉन्च हुआ था, वो भी बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ करती है, ऐसा बहुत सारे जगह पे बोला गया है। तो आप अगर देखोगे तो 80s और 90s में सलमान और आदित्य पंचोली का उतना ज़्यादा रैपो नहीं था, लेकिन उनकी जो मूवी आई थी 2010 में बॉडीगार्ड, तब उसमें आदित्य पंचोली को नेगेटिव रोल में कास्ट किया गया। 2016 में सूरज पंचोली को लॉन्च किया गया। तो जो ऊपर से फेवरिज्म दिखता है, जो ऊपर से ये दर्शाता है कि सलमान का दिल कितना बड़ा है कि वो नए नए स्टार्स को इतने सारे ऑफर्स देते हैं, असल में यहाँ पे बात है सिम्बायोसिस की, यहाँ पे बात है गिव एंड टेक की। गिव एंड टेक के बगैर कुछ नहीं चलता। सलमान को आदित्य पंचोली से इल्लीगल धंधे पे सपोर्ट मिलता है, इसीलिए वो आदित्य पंचोली के बेटे को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और सूरज पंचोली अगर किसी केस में फंस जाते हैं तो फिर वो तो सब उगल देगा और वो सलमान और उसके बिजनेस के लिए हानिकारक होगा, इसीलिए वो सूरज पंचोली को बचाते आए हैं और बचाते रहेंगे। मेरे इस एनालिसिस में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं मेरे कमेंट सेक्शन पे मेंशन कीजिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। टेक केयर। जय हिंद।